Hello everyone. Now in this video we will be talking about the preparation of haloalkanes from another functional group, that is alcohol. So we know the general formula of alcohol is ROH. Alcohols ka formula ROH hota hai. Aur fir hamare paas ye देखने को आता है कि ROH से हम RX बना रहे हैं. इसका मतलब कि हम यहाँ पर क्या चीज़ ले लें जो OH को हटाकर X लगाती है, राइट? तो दिस इज द मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इन दिस वीडियो, कि एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप को हटाकर उसमें हैलोजन इंट्रोड्यूस करने वाली स्पीशीज कौन सी है या कौन सी हो सकती हैं. सो दिस वी आर गोइंग टू एक्चुअली टॉक हियर. तो बेसिकली तीन तरीके के रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह, राइट? कि एल्कोहल से OH निकाल कर जो हैलोजन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स. तो बेसिकली जो सबसे पहला रिएजेंट है जो इस सबस्ट्रेट को, जो हमारा मेजर रिएक्टेंट होता है, उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं. और जिन स्पीशीज को हम उस पर अटैक कराकर प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें हम रिएजेंट्स कहते हैं. तो एल्कोहल पे जो पहला रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं वो है हाइड्रोजन हैलाइड. हाइड्रोजन हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला HX होता है. यहाँ पर X की जगह, जैसे कि ऑलरेडी हम सभी को पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी लिया जा सकता है, राइट? तो अगर ये सारी चीज़ें ली जा सकती हैं तो रिएक्टिविटी कैसी होगी, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जिसे हमें डिस्कस करना ज़रूरी है. तो अल्कोहल से अगर ये स्पीशीज रिएक्ट करती हैं तो जैसे कि हमें पता है कि आयोडीन का साइज हैलोजन्स में सबसे बड़ा होगा क्योंकि वो ग्रुप में सबसे नीचे होता है. और वी नो दैट कि व्हेन वी डिसेंड डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, बढ़ता है. तो इस हिसाब से फ्लोरीन सबसे छोटा, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा और आयोडीन सबसे बड़ा. तो जितने बड़े एटम्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वीक बॉन्ड बनाएंगे जिसका टूटना आसान होगा. तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HI की सबसे ज़्यादा होगी. उसके बाद आता है नंबर HBr का, फिर HCl का और फिर HF का. तो इन रिएक्शंस में HF सबसे लीस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल माना जाता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो ये बॉन्ड सबसे मुश्किल से टूटेगा, राइट? तो इस करंट सेशन में फिलहाल हम इन्हीं रिएक्टेंट्स की रिएक्टिविटी और इनके अटैक की बात करेंगे अल्कोहल पर, राइट? देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड देन एट द लास्ट विद थायोनिल क्लोराइड. अगर हम फॉस्फोरस हैलाइड्स की बात करें तो इनका फॉर्मूला क्या है? फॉस्फोरस दो तरीके के हैलाइड्स बनाता है. एक बनाता है PX3, राइट? और दूसरे बनाता है PX5. जैसे आपने PCl3 और PCl5 का नाम सुना होगा तो PX3 में PCl3 कह सकते हो और PX5 मतलब PCl5. और फिर नेक्स्ट है थायोनिल क्लोराइड. ये सबसे बेस्ट रिएजेंट है इस मेथड के लिए, बट इसकी एक लिमिटेशन है कि क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है तो आप सिर्फ RCl मॉलिक्यूल जनरेट कर सकते हैं, मतलब हैलोएल्केन में सिर्फ क्लोरो कंपाउंड ही बनाया जा सकता है. तो आई होप ये बात आपको समझ आई. अब हम डिस्कस करते हैं इनमें से पहले रिएजेंट हाइड्रोजन हैलाइड का अटैक अल्कोहल पर कि कैसे होगा और कैसे रिएक्शंस प्रोसीड करेंगी. तो अल्कोहल्स में भी हमें मालूम है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल होता है ना? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है तो रिएक्टिविटी तीनों की सेम तो नहीं होगी. 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा और ऐसे ही बाकी के दोनों भी कार्बोकेटाइन बनाएंगे. और हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन काफ़ी स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 और 2 एज कम्पेयर टू 1 ज़्यादा स्टेबल होता है. तो इस स्टेबिलिटी की वजह से 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, 2 डिग्री की उससे कम और 1 डिग्री इनसे लीस्ट रिएक्टिव होगा. तो नाउ लेट्स डिस्कस. अगर हाइड्रोजन हैलाइड HCl है, अगर हाइड्रोजन हैलाइड में X की जगह Cl है तो क्या हो जाएगा HCl? अगर HCl की रिएक्टिविटी की बात करते हम अल्कोहल से, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा है. जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन और से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, राइट? 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप HCl से रिएक्ट कराएंगे तो ध्यान दीजिए ZnCl2 का काम यहाँ
है, ये तो रिएजेंट है। ZnCl2 यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा और यहाँ से पानी निकालने में मदद करेगा, राइट। यहाँ से OH इस हाइड्रोजन के साथ निकलकर वाटर बन जाएगा और क्लोरीन यहाँ आकर जुड़ जाएगा। I hope you have understood। तो ZnCl2 का काम क्या है, HCl की प्रेजेंस में जब HCl का एडिशन हो रहा है अल्कोहल पे तो पानी निकालने का काम कौन करेगा, ZnCl2। Now let's see the 2-degree अल्कोहल। जब फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट दो और कार्बन से अटैच है तो हम उसे 2-degree अल्कोहल कहते हैं। 2-degree अल्कोहल पे भी जब आपको HCl की रिएक्शन करानी है तो ZnCl2 की प्रेजेंस होगी और फंक्शन होगा सेम। यहाँ पर भी ये क्या करेगा, -H2O कराने का काम करेगा इस मॉलिक्यूल से। तो वाटर हमने अलग करके लिख दिया और OH की जगह क्या ऐड हो जाएगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगा, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट 3-degree, तो जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो डायरेक्ट और तीन कार्बन से अटैच है जिसके कारण इसे हम 3-degree अल्कोहल कहेंगे। तो यहां इस रिएक्शन में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3-degree की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी क्योंकि 3-degree जो OH निकलने के बाद कार्बोकेटाइन बनाएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी के कारण वो रिएक्शन को जल्दी से आगे की तरफ बढ़ाएगा। तो यहां ZnCl2 की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट HCl ही अकेला वो काम कर लेगा और रिएक्टिविटी फास्ट होने की वजह से पानी निकल जाएगा और आपको 3-degree अल्काइल हैलाइड आराम से मिल जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल्स की, साथ में HCl का उस पर अटैक और ZnCl2 का एक्शन, हमने ये तीन चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी। तो बेसिकली ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा फीजिबल है, सबसे आसानी से सिर्फ HCl को 3-degree अल्कोहल के साथ रूम टेम्परेचर पर शेक करने से ही हो जाएगी। बाकी में आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ZnCl2 है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम ये होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेता बल्कि वो एक ऐसी स्पीशीज होता है जो रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब स्पीड को बढ़ा देता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर और अब हम बात करते हैं कि अगर HCl में या HX में Cl की जगह Br हो, यानी HBr का एडिशन अगर है तो फिर हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हमें सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो HBr का भी वही काम है, जब HBr आप ऐड करेंगे तो H2SO4 की प्रेजेंस में वो क्या करेगा, यहाँ से पानी निकालेगा, राइट। सिमिलरली वाटर के रिमोल के साथ आपको क्या मिलेगा, RBr मिलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि NCRT में ये रिएक्शन HBr के साथ नहीं दी हुई, ये NABr के साथ दी है। जहां अल्कोहल से प्रिपरेशन दी है वहां हेडिंग में ये पहली रिएक्शन है, राइट। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, NCRT ने सिर्फ ROH लेकर इस रिएक्शन को समझाया है, बट वॉट आई हैव एक्सप्लेन इट विद बोथ द मीन्स ऑल द डिग्रीज ऑफ अल्कोहल, राइट, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। और यहां ये रिएक्शन NCRT में HBr के साथ नहीं NABr के साथ दी है, तो बिल्कुल ही सेम रिएक्शन होगी, कोई अंतर नहीं आएगा। हम NABr के साथ, हम KBr के साथ भी सेम रिएक्शन लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेम होंगे, राइट। अंतर सिर्फ बाय प्रोडक्ट में आएगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा सेम रहेगा। तो H2SO4 की प्रेजेंस में H2SO4 क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, पानी निकल जाएगा और RBr आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप यहाँ KBr लेते हैं तो भी सेम प्रोसेस होगी, और अगर आप NABr लेते हैं तो भी जो है सेम RBr का फॉर्मेशन ही होगा। देन अगर HX में X आयोडीन है तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपको जो है H3PO4 जिसको हम फॉस्फोरिक या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं यूज करना पड़ेगा, और ये भी वही काम करेगा जो सल्फ्यूरिक एसिड कर रहा था, इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये भी क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल से पानी निकालेगा और आपको आयोडो कंपाउंड हेलो एल्केन्स में मिल जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल, एंड बेसिकली यहाँ भी आप HI की जगह KI भी ले सकते थे,
आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। तो बेसिकली जो 6 रिएक्शंस दी हुई हैं अल्कोहल से प्रिपरेशन की, उनमें से एक मेजर रिएक्शन की हाइड्रोजन हैलाइड से हमने डिस्कस कर ली है, या हम कह सकते हैं पहली दो रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ HBr के जगह अगर आप NaBr ले लेंगे तो NCERT में अल्कोहल्स हेडिंग के अंदर दी हुई पहली और दूसरी दोनों रिएक्शंस आपसे सॉल्व हो जाएंगी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडिशन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स ऑन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RX, राइट? कि अब हम क्या यूज करेंगे, फॉस्फोरस के हैलाइड्स यूज करेंगे, जैसे PCl3, PCl5, और इनका रिएक्शन कहाँ करेंगे, अल्कोहल पर, क्योंकि मेजर हेडिंग है अल्कोहल से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो स्टार्टिंग मटेरियल हमेशा अल्कोहल रहेगा, क्या बदल जा रहे हैं, रिएजेंट्स बदल जा रहे हैं। तो अल्कोहल पर ही अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स ले लें अल्कोहल के और उस पर फॉस्फोरस हैलाइड का अटैक करा, यहाँ X क्या है, X में भी क्लोरीन और ब्रोमीन, आप इसे PCl3 एज्यूम करके भी इस रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ X है वहाँ Cl लिख लीजिए। तो जब 3 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के PX3 से रिएक्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ से 3 अल्काइल ग्रुप और ये तीनों हैलोजन्स मिलकर 3 मॉलिक्यूल बनाएंगे हैलो एल्केन का। अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचे हुए ये 3 H, राइट, और ये 3 ऑक्सीजन और एक फॉस्फोरस। तो ये बची हुई चीजें मिलकर H3PO3 मॉलिक्यूल बना लेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 ऑन अल्कोहल। यहाँ पर भी यही है, इट्स वेरी इजी, अल्काइल ग्रुप विल गो विद वन ऑफ द क्लोरीन और बनेगा RCl। फिर क्या बचता है हमारे पास, एक फॉस्फोरस बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है और 4 क्लोरीन बचे हैं। तो फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और 4 में से 3 क्लोरीन को यूज करके POCl3 बन जाएगा, और लास्ट में क्या बचा, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो एक मॉलिक्यूल HCl का यहाँ पर फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज, अगर अल्कोहल को हम रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हैलोजन से रिएक्ट कराएं, हैलोजन मॉलिक्यूल से, जहाँ पर X क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये एक और अच्छा मेथड है जिससे हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, हैलो एल्केन्स या अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द अटैक ऑफ थायोनिल क्लोराइड, जो लास्ट रिएजेंट था हमारा SOCl2, इसको अगर अल्कोहल से रिएक्ट कराएं, तो दिस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सारे मेथड्स में आपने देखा कि मेजर प्रोडक्ट के साथ कुछ साथ में और बाय प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। दिखने के लिए तो यहां भी SO2 और HCl बन रही, मगर जब SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड अल्कोहल से रिएक्ट करता है, तो एक अल्काइल ग्रुप एक क्लोरीन से अटैच होकर RCl बना लेता है, SO इस ऑक्सीजन के साथ जाकर SO2 बना लेता है, और बचा हुआ HCl गैस बना लेता है। तो बेसिकली इन तीनों प्रोडक्ट्स में से 2 स्केपेबल गैसेस हैं, यानी ये गैसेस हैं, तो दे विल बी रिलीज्ड आउट, ये रिएक्शन के प्रोडक्ट मिक्सचर में बची नहीं रहेंगी। तो हमारे पास प्योरली क्या बचा रहेगा, अल्कोहल। इसीलिए दिस इज रिगार्डेड एज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, हैव अ ग्रेट टाइम।